लाइफ में पहली बार अच्छे लाइफ में, और ईद के पहले भाई बैग को तो छोड़ के गया है, बैठ रही है मतलब बोले ना हाथ लगाने के लिए भी डर लग रहा है, छू की नहीं, ऐसा सूटकेस मतलब बॉम्बे यार कुछ भी हो सकता है। चेन भी खींचा था मैंने बट नो रिप्लाई, मे भी उसने हॉर्न बंद करके रखा पता नहीं क्यों, मतलब जैसे गाड़ी थाना से निकली ना तो मैंने पहले चेन खींचा तो कुछ बजा ही नहीं, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया चेन खींचने का, मतलब फर्स्ट क्लास के डब्बे में ऐसा सीन है। पता नहीं ये बैग किसका है, रह गया कोई भूल गया पता नहीं शायद से, बट मैं क्या करूँगा, मैंने कॉल भी किया था RPF को बट ये नंबर पर डायल किया, कॉल लगा हेल्पलाइन नंबर, बट वो बोलती कि RPF वाले को बताओ क्योंकि कार शेड एम्प्टी जाती है ना गाड़ी, तो उसके बाद हमारे पास डिटेल्स नहीं है, मतलब उससे कुछ बता रही थी बट अभी एम्प्टी कार शेड और बैग को छू भी नहीं सकता, डर लगता है कुछ हो ना हो इसमें, भरोसा नहीं किसी का। बैग ऐसे ही रखा है, बैग को अभी तक खोला नहीं है मैंने, और गाड़ी पूरा एम्प्टी कार शेड में जा रहा है, पूरा गाड़ी कार शेड में आ रहा है। और ये रेलवे का डब्बे का चेन भी इतना नाजुक है ना कि ये चेन खींचा ना तो ये सीधा हाथ में आया, और आवाज़ कुछ बज रहा नहीं है, ये खींचा ये चेन खींचा कुछ भी नहीं बज रहा है। अभी मामा को बोला वो RPF वाले को पुलिस वाले को, वो तो आ रहे मामा, बैग देने जा रहा हूँ मैं सर के पास। हाँ छूट गया वो, जस्ट मैंने मतलब बैग जो थी कार शेड में एम्प्टी कार शेड में जो RPF वाले जो पुलिस वाले होते हैं उनके पास दिया हूँ मैंने, और जो बैग थी वो किसी बंदे की थी, स्टूडेंट था वो मेडिकल कॉलेज का, मानस प्रतीक नाम है उसका कुछ ऐसे ही है, तो लेट्स सी उसको फॉलोअप करता हूँ, मिला इंस्टाग्राम पे तो उसको बोलूँगा भाई तेरा बैग भी भूल गया रहेगा तो कलवा कार शेड से जाके ले लेना, बट सो फार सो गुड। एक बोलूँ आपको गाइज, इतनी फट रही थी ना भिंडी, लाइफ में पहली बार ऐसा किस्सा हुआ कि ट्रेन में मतलब बैग छोड़ा कोई, वो भी सूटकेस, और निकल मैं तो ऐसे ही बैठा था रिलैक्स, बिकॉज अपना कैसा डेली का रूटीन है काम पे से घर आने का कार शेड पकड़ के, थाना में पूरा गाड़ी खाली होता है, घर पे आ ही रहता तो उतरते एक आदमी बोला बेटा भाई कब का क्या, नहीं तो और जैसा ऊपर देखता हूँ बड़ा सूटकेस, बोला बाप रे कुछ ना कुछ हो सकता है इसमें, किसी का भरोसा नहीं है आज की तारीख में, कोई कुछ भी कर सकता है, बॉम्बे है भाई कुछ भी हो सकता है। तो सो फार सो गुड, अभी जा रहा हूँ घर। सबसे बोलते ना खतरनाक सीन ये था जब मैंने वो पुलिस वाले को बोला ना सर ये बैग देखो इधर किसका रखा है, तो सर मेरे को बोलते तू ही उठा के लेके इधर बोला अभी क्या बोलूँ, थाना से लेके निकलते वक्त मैंने पूरा बैग को हाथ ही नहीं लगाया, मेरे को बोलता अरे निकल कुछ नहीं नसीब में जो लिखा रहता ना वो होएगा, बोला देख जिसको जाना है वो तो जाना ही है, तो फिर फाइनली वो बैग उठा के नीचे उतारा मैंने, फिर देखा बोला अरे कुछ नहीं होएगा उठा, फिर लेकर आया उधर रखा एक साइड में, खोला चेक किया नसीब बॉम्ब नहीं था, जान बची आज, जान बची उम्र बड़ी फौज यही कहूँगा, ऐसा अपन बिंदा से रे, अभी अपने को क्या है दो आवे तो दस देवे ऐसा अपना। भाई ये कार शेड का जगह भी ना बहुत खतरनाक है भाई, अंदर जब भी गाड़ी आती ना कभी कभी ना रेलवे वाले फाइन भी मारते अच्छी खासी, क्यों आया चढ़ के, और कुछ झंडू बम देखो मतलब ऐसे रहते ना अदरक जैसे रहते कुछ झंडू बम, पता नहीं है फिर भी छेड़ जाते, मालूम है गाड़ी एम्प्टी है कार छेड़ जाने वाली है, पैदल होते पैदल दिमाग से, और ये रास्ते में ना चोर चमार भी मिलता है भाई ऐसे है, तो थोड़ा संभाल कर। सो आज अपुन की ज़िंदगी का किस्सा ही कुछ और होता अगर सूटकेस में बॉम्ब होता, सो फार सो गुड, मतलब स्ट्रेस फील होता है यार, मतलब इतना डर लगता है पहली बार, ऐसा अजीब सा सीन था ना, कुत्ता क्यों भुक रहा है पता नहीं, वैसे भी 2:15 शूट कर रहा हूँ व्लॉग एंड करना है, आप लोगों को मेरा पूरा वीडियो आपने देखा होगा, मतलब एक एपिक सीन होता ना किसके लाइफ में, जो बंदा एम्प्टी कार शेड से आता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती ना अजीब से, और ऐसे बहुत चीज़ें होते हैं, इसलिए पुलिस वाले RPF वाले मना करते कि कार शेड मत पकड़ो उतर जाओ, बट कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है। मेरा तो डेली का रूट है, वो गाड़ी मैं हमेशा पकड़ता हूँ जॉब से छूटने से पहले, वो गाड़ी नहीं तो फिर उसके पहले की गाड़ी, वरना कौन सी कल्याण गाड़ी पकड़ के मैं घर पर आता हूँ, बट बैठा था आराम से फर्स्ट क्लास के डब्बे में, अपना पास है वैसे भी चेल बैठा था, तो मेरा बैग भी ऊपर ही था और वो सूटकेस वाला बैग इस तरफ था, तो अंकल उतरने से पहले मुझे एक बात बोलकर गए ये बैग आपका, बोला हाँ बड़ा बैग भी आपका है, बोला नहीं अंकल, बोला कौन सा, देखा तो सूटकेस, सूटकेस देखते मेरे होश उठ गए,
और वो बोल के फटक से उतर के चले गए अंकल। तो मैं पता क्विक एक्शन कर नहीं पाते हम, कभी कभी ऐसा होता है, मैं पूरा ब्लाइंड हो गया था, करूँ क्या। तो मैं गया भागते हुए, चेन खींचा, चेन टूट के हाथ में आया, तो उधर मैं डर गया, बोला ऐसी हो रहा है भाई जिंदगी में। तो मैं कार सीट स्टार्ट हो गई और लाइट्स ऑफ हो गई, तो फुल गंदा सीन था लाइफ में। जैसे लाइट्स ऑफ होती है, कार सीट स्टार्ट होती है, प्लेटफॉर्म छोड़ देती है ठाने का, और सब सब चेन धड़ाधड़ खींच रहा, कुछ भी नहीं, हॉर्न बिल्कुल नहीं बज रहा था, और ना ट्रेन रुक रही थी, डर गया था अजीब सा। तो पहले ही देखा जैसे लाइट स्टार्ट हो गई है प्लेटफॉर्म क्रॉस करते ही, हेल्पलाइन जो नंबर था उसको फ़ोन किया, मैडम बोलती है कि हमारे उस तरफ जाने वाले कुछ सेवा ही नहीं है, हमारे पास कुछ भी सेवा नहीं है। मतलब मैडम ने जो एक्सप्लेन किया उठा पे, मेरे को भी थोड़ा बहुत याद नहीं क्या बोला था उन्होंने। मैडम ने कहा कि आरपीएफ को बोलना पड़ेगा आपको उधर के, वो बैग देना पड़ेगा, ऐसा फलाना फलाना चालू था उनका। बोला बाबा जिंदगी के दौर, अगर वो सूटकेस में कुछ और होता तो बोल नहीं सकते ना, क्योंकि 2006 के बाद, 2006 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हो गए थे, मतलब वो सब वगैरह, तो एक डर कहीं ना कहीं इंसान को बैठा है तब से मन में, बिकॉज वो एज से हम आ रहे हैं, तो हमको पता है लगातार हो गया था सब बॉम्ब ब्लास्ट, तो डर लगता है किसी की चीज़ को हाथ लगाने को। तो मैंने हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाया, बट मन में ऐसा भी हुआ कि जाके एक बार देखूँ, तो थोड़ा सा देख रहा था, बट नहीं, जैसे मैं टच करने जा रहा था तो ट्रेन हिल रही थी, तो कड़ी बज रही थी, तो उससे भी मैं डर गया था, बोला इसकी माँ का टकटक आवाज, मतलब ऐसा लग रहा था कि टकटक आवाज आ रहा है, कुछ है तो नहीं इसके अंदर है, मतलब इतना शौक था ना, मैं फिर भी हार नहीं माना, मतलब सब बिंदास रहा मैं। बोला बैग में अगर किसी का कुछ सामान भी हो सकता है, पर्सनल चीज़ें भी हो सकती है, कुछ हो भी सकता है, और मैं सोचा कि कार सीट अभी रुक रही है कलवा में, उतर के चले जाओ, बट देखा कुछ बच्चे लोग भी थे, कुछ लड़के लोग भी थे जो कार सीट में मतलब देखते, चेक वगैरह करते कुछ चीज़ें मिलती है या नहीं। तो मैं जब अभी जो होएगा हो सो देखा जाएगा, अपन जाते हैं अंदर कार सीट तक और एक बैग हैंड ओवर करते हैं पुलिस वाले को। तो फाइनली मैंने वो किया, पुलिस वाला भी मेरे को ही बोलता है उठा बैग निकाल चेक कर ओपन कर, तो आखिर में बैग भी मैंने ओपन किया, तो बहुत हार्ट बीट फास्ट हो गया था, धक 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 धक, बट नहीं यार वो बोला जो होगा सो होगा, नसीब में लिखा जो होगा वो होगा, डर मत बिंदास कर, खुल ओपन। ओपन किया फिर देखा तुम कपड़े थे, कॉलेज का बंदा था, मेडिकल कॉलेज वाला बंदा था, उसके कपड़े थे। बस आज के लिए इतना ही, होप आप लोग को मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बर्नी यार के व्लॉग, और कभी भी किसी इस ऐसे चीज़ों को हाथ मत लगाओ जिससे तकलीफ हो सकती है मे बी, इसलिए नज़दीकी पुलिस वाले को या आरपीएफ को इन्फॉर्म करो अगर आप ट्रैवल करते हो तो ट्रेन से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जान बची जिंदगी बड़ी आगे।